हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोटेशनल मैकेनिक्स के। आज के इस लेक्चर में हमें रियल एटवुड मशीन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इसी के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल एटवुड मशीन क्या होती है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो ये एक छत है, इस छत से एक रियल पुली कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है? रियल पुली। इस रियल पुली का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और ये रियल पुली का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये रियल पुली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ठीक है। प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकती है, मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पुली। इस रियल पुली का मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या गिवन है? ICM, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रियल पुली, ठीक है। और देखो रियल पुली क्या होती है? रफ होती है, ये खुरदरी होती है, ठीक है। तो अब देखो एक मासलेस स्ट्रिंग है जो कि इस रियल पुली के ऊपर से होती हुई यहां पे M2 मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है और यहां पे M1 मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। और मान लो M2 M1 से ज्यादा है तो क्या होगा? ये M2 ब्लॉक नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा तो M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो देखो M2 ब्लॉक नीचे की तरफ, M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ, तो ये रियल पुली इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। और मान लो इस रियल पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो रस्सी होती है ना, ये रस्सी इस पुली पे से फिसलती नहीं है। ये जो मासलेस स्ट्रिंग है इस पुली पे से स्लिप नहीं होती। इनफैक्ट होता क्या है? पुली रोटेट करती है वास्तविकता में, और यहां पे पुली क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा। तो रस्सी पुली पे से नहीं फिसलती है। तो अब देखो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे इन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और जो ये रस्सी पुली के ऊपर से होती हुई जा रही है तो रस्सी के उन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ए ही रहेगा ना, सही बात है। तो अब देखो रस्सी के कॉन्टैक्ट में जो पुली का जो पॉइंट है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा? आर अल्फा। और रस्सी का पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या? ए। और रस्सी इस पुली पे से स्लिप नहीं होगी तो इसका मतलब ए आर अल्फा के बराबर होगा, सही है। तो एक इक्वेशन ये होगी। तो अब देखो M1 ब्लॉक पे M1g ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, M2 ब्लॉक पे M2g ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। और देखो यहां पे थ्रू आउट दिस रस्सी टेंशन सेम नहीं होगी, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन कुछ अलग होगी और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन कुछ अलग होगी। मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 होगी तो M1 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स आएगा, और मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 होगी तो M2 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स आएगा, और इस पुली पे ऐसे T1 टेंशन और इसी पुली पे ऐसे यहाँ पे T2 टेंशन, सही है। तो अब देखो
ये पुली क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी, तो इसका मतलब है इस पुली पे नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, नेट टॉर्क ऑन पुली विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस पुली पे नेट टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस पुली पे ऐसे T2 टेंशन और ऐसे T1 टेंशन, सही है। तो अब देखो इस T2 टेंशन का टॉर्क ऑन दिस पुली वो क्या होगा, फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज, और इस T2 टेंशन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, T2 इंटू में R। और अब देखो इस T1 टेंशन का टॉर्क ऑन दिस पुली फ्रॉम R क्रॉस F ये क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस, और इस T1 टेंशन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, T1 इंटू में R। तो इस पुली पे नेट टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आएगा, T2R माइनस T1R, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो कि ICM इंटू में अल्फा, ठीक है। तो यहां पे R को कॉमन ले लो, तो T2 माइनस T1 इंटू में R इज इक्वल टू ICM इंटू में अल्फा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब देखो ये पुली रफ है, तो इसका मतलब इस पुली को कौन रोटेट करवाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस T1 और इस T2 के इक्विवेलेंट, इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या मान सकता हूं, इस रस्सी के द्वारा इस पुली पे स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा कितना, T2 माइनस T1 स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू में R, वही तो टॉर्क होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का इस पुली पे। तो इसका मतलब इस T2 और इस T1 इन दोनों के इक्विवेलेंट में क्या मान सकता हूं, इस रस्सी के द्वारा इस पुली पे स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा कितना, T2 माइनस T1 के बराबर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस पुली एंड दिस रस्सी वो क्या होगा, स्मॉल एफ, जो कि किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। तो एक बात मान लो, या तो ऐसे T2 और ऐसे T1 मान लो, तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में कितना आ गया, T2 माइनस T1 इंटू में R, सही है। या ऐसा मान लो, बात एक ही है, इस T2 और इस T1 को भूल जाओ, और ऐसा है कि इस रस्सी के द्वारा इस पुली पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल एफ, जो कि किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर, ठीक है। आपकी मर्जी है, कैसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई। तो अल्फा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर आएगी, a बाय r, वो यहां पे पुट कर दो, तो T2 माइनस T1 इंटू में R, ये कितना आ गया, ICM अल्फा की वैल्यू a बाय r, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो इस M2 ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, फोर्थ इक्वेशन ये आ गई। अब M1 ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, नेट फोर्स T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन ये आ गई। और ये भी ध्यान रहे, देखो M2 M1 से ज्यादा है तो M2 ब्लॉक नीचे आएगा, M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और ये पुली इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ही तो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये तो तभी कर सकती है ना, जब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 किसके
किससे ज्यादा हो, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 से ज्यादा हो, तो ये बात पक्की है T2 T1 से ज्यादा होगी, पक्का होगी, क्योंकि M2 M1 से ज्यादा मैंने मान रखा है। ठीक है, तो अब देखो T1 T2 और A ये क्या है, तीन अननोन है मेरे पास फिलहाल, T1 T2 और A, और तीन ही इक्वेशन है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्विंग इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, कर सकते हैं ना सोल्व, क्योंकि तीन अननोन है T1 T2 A और तीन इक्वेशन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कैसे सोल्व करोगे, A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन से T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A फाइंड आउट कर लेना, फिफ्थ इक्वेशन से T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A फाइंड आउट कर लेना, और T2 और T1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये पूरी इक्वेशन A में बन जाएगी। ठीक है, तो वहां से A की वैल्यू क्या आएगी, M2 माइनस M1 इंटू में G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस ICM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आएगी A की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, A बाय R, तो M2 माइनस M1 इंटू में G डिवाइडेड बाय R इंटू में M1 प्लस M2 प्लस ICM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ये A की, ये अल्फा की, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है, T1 और T2 की, तो A की वैल्यू निकल गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से A की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर लेना, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, T2 की आएगी M2G इंटू में 2M1 R स्क्वायर प्लस ICM डिवाइडेड बाय ICM प्लस M1 प्लस M2 इंटू में R स्क्वायर, ये आएगी T2 की वैल्यू। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करना है, ये A की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देना, तो T1 की वैल्यू निकल आएगी एम वन जी इंटू में टू एम टू आर स्क्वायर प्लस आई सी एम डिवाइडेड बाय आई सी एम प्लस M1 प्लस M2 R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई T1 की वैल्यू। अब क्या फाइंड आउट करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन दिस रस्सी एंड पुली स्मॉल f, वो किसके बराबर होगी, T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है, तो T2 और T1 की वैल्यू निकल चुकी है, तो T2 माइनस T1 कर देना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी बिटवीन दिस रस्सी एंड दिस रियल पुली, और ये कितनी आएगी, M2 माइनस M1 इंटू में G इंटू में ICM डिवाइडेड बाय ICM प्लस M1 प्लस M2 R स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन दिस रस्सी एंड दिस रियल पुली। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, मान लो ये तो है छत, ठीक है, और ये रियल पुली कनेक्टेड है। ठीक है, इस रियल पुली का मास कैपिटल एम वो कितना गिवन है, ये गिवन है 4 kg। ठीक है,
और रेडियस आर ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, और मान लो ये पुली डिस्क है, ठीक है, और ये मासलेस स्ट्रिंग, ऑब्वियसली रियल पुली क्या होगी, रफ, और ये मासलेस स्ट्रिंग, और यहां पे M1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 केजी, M2 की वैल्यू 4 केजी, ठीक है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैंने t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो देखो 4 2 केजी से ज्यादा है, तो 4 केजी नीचे की तरफ एक्सलरेट होगा, 2 केजी ऊपर की तरफ एक्सलरेट होगा, ठीक है। और ये पुली इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी, ठीक है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया है, तो t इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो 2 केजी रेस्ट पे होगा, 4 केजी भी रेस्ट पे होगा, सही बात है। और t इज इक्वल टू 0 पे इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट वो क्या होगी, 0 होगी, सही बात है। तो अब देखो इस 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो यहां से, एम टू माइनस एम वन इंटू में जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस आई सी एम बाय आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आई सी एम की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो क्या होगी, एम आर स्क्वायर बाय टू, एम की वैल्यू 4, आर की 0.2 मीटर में, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ये ICM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08 के जी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो M2 की वैल्यू 4 पुट करना, M1 की 2, G की वैल्यू 10, R की 0.2 मीटर, ICM की 0.08 के जी मीटर स्क्वायर। तो इन जब इन वैल्यूज को पुट करोगे ना, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आएगी डायमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 केजी नीचे की तरफ डायमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, 2 केजी ऊपर की तरफ है, ऑब्वियसली डायमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा। और इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो कितना होगा, ए बाय आर, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय आर इन मीटर 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा ये कितना आएगा, 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 वो कितनी आएगी, यहां पे वैल्यूज पुट कर देना, M1 की, G की, M2 की, R की, ICM की, ठीक है। तो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 ये कितनी आएगी, ये आएगी 25 न्यूटन, और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 ऑब्वियसली 25 न्यूटन से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 4 केजी 2 केजी से ज्यादा है। तो T2 कितनी आएगी, 30 न्यूटन, ठीक है। और अगर मैं ये और फाइंड आउट करना हो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन दिस रस्सी एंड रफ पुली, वो कितनी हो जाएगी, T2 माइनस T1, तो 30 माइनस 25 से 5 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी रेस्ट, 4 केजी रेस्ट पे, और t इज इक्वल टू 0 पे इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी क्या, 0, क्योंकि सिस्टम को मैंने रेस्ट से रिलीज किया इस पोजीशन से, ठीक है। तो अब देखो 4 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ मुंह करेगा, 2 केजी ब्लॉक ऊपर की तरफ, और ये पुली क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी, कितने कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से, 12.5 मीटर
12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो जब ये 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ कितना मूव कर चुका होगा, 10 meters, तो ऑब्वियसली 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ कितना चलेगा, 10 meters ही चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 meters की बना है, तो ये भी कितना होगा, 10 meters होगा। तो स्टॉपवॉच में कितना टाइम होगा इस 4 kg ब्लॉक के लिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्केयर का यूज कर लो, s कितना 10 इज इक्वल टू ut 0 हाफ एक्सलरेशन डाई इंटू में t स्केयर। तो यहां से t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 2.828 सेकंड, 2.828 सेकंड। मतलब जब ये 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 10 meters चला होगा और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ 10 meters, तो स्टॉपवॉच में कितना टाइम होगा, 2.828 सेकंड, ठीक है। तो इस टाइम पे या इस इंस्टेंट पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी, 4 kg ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी, ये तो जाहिर बात है दोनों ब्लॉक्स की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, केवल डायरेक्शन का फर्क है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो, u 0 एक्सलरेशन 2.5 टाइम 2.828, तो ये कितना आएगा, 7.919 meters पर सेकेंड, 7.919 meters पर सेकेंड, 7.919 meters पर सेकेंड, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 2.828 सेकेंड इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो कितनी होगी। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट पुली तो प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है ना, तो इस पुली के लिए क्या अप्लाई कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 प्लस अल्फा t, अल्फा कितना 12.5 और टाइम 2.828, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 35.35 रेडियन पर सेकंड, 35.35 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और मान लो ये भी पूछा हो एट t इज इक्वल टू 2.828 सेकंड पे या 2.828 सेकंड में ये पुली कितना एंगल रोटेट करेगी वो निकाल लो। देखो पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 12.5, तो किसका यूज कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट 0 तो ओमेगा नॉट टी 0 प्लस हाफ अल्फा 12.5 इंटू में टी स्क्वायर, मतलब 2.828 का स्क्वायर, और ये आएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा, 12.5 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा 50 रेडियन, ठीक है। तो 2.828 सेकंड में ये पुली कितना एंगल रोटेट करेगी, 50 रेडियन, ठीक है। और एट t इज इक्वल टू 2.828 सेकंड पे पुली की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 35.35 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस पुली के द्वारा कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो भी निकालना हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय पुली फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2.828 सेकेंड वो किसके बराबर हो जाएगा। तो देखो 2.828 सेकेंड में ये पुली कितना एंगल रोटेट हुई, 50 रेडियन, और जब पुली एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो कितना एंगल रोटेट होती है, 2 पाई रेडियन।
तो जब पुली 50 रेडियन एंगल रोटेट करेगी तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करेगी? 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये कितना आएगा? 7.957 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये है हमारी रियल एटवुड मशीन, ठीक है। यहां पे ये जो पुली है ना, ये बिल्कुल रियल होती है, इसका मास भी होता है, ठीक है, और ये रफ होती है, खुरदरी होती है, ठीक है, जो कि कुएं पे लगी हुई होती है, ठीक है। मैंने यहां पे इस पुली की अगर बात करूं, पूरा एफबीडी नहीं बनाया है, तो देखो पुली तो केवल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है ना, तो इसका मतलब पुली का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे ही है। सेंटर ऑफ मास की अगर बात करूं तो इसका मतलब इस पुली पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए? जीरो। तो इस पुली पे एक कैपिटल एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स तो जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा, और जिस स्टैंड से ये पुली इस छत से बंधी हुई है, ये इस पुली पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो स्टैंड है अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करेगा जिससे इस पुली पे नेट फोर्स जीरो हो जाए? कितना? T1 प्लस T2 प्लस कैपिटल MG, ठीक है। तभी तो इस रियल पुली पे नेट फोर्स जीरो आएगा, क्योंकि पुली तो इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है ना, तो पुली का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं पे है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा, क्योंकि ये पुली रियल है, इसका मास है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है वहीं का वहीं पे, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इस पुली पे। तो इसका मतलब जो ये स्टैंड बोल दो या हिंज बोल दो या इसे आप रस्सी भी बोल सकते हो, जिसकी हेल्प से ये पुली छत से बंधी हुई है, तो वो इस पुली पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स अप्लाई करेगा? T1 प्लस T2 प्लस कैपिटल MG, ठीक है। तभी तो इस पुली पे नेट फोर्स जीरो होगा, और M2 M1 से ज्यादा है तो M2 ब्लॉक ऑब्वियसली नीचे की तरफ एक्सलरेट करेगा, M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सलरेट करेगा, दोनों ब्लॉक्स के एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, AA। और ये पुली क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इनफैक्ट ये पुली एंगुलर एक्सलरेट होगी विद एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा, तो इसके लिए तो टॉर्क चाहिए इस पुली को, वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रस्सी ऑन दिस पुली, ठीक है, क्योंकि ये पुली रफ भी तो है ना, तो रफनेस के कारण ही ये पुली घूमेगी, इनफैक्ट एंगुलर एक्सलरेट होगी, ठीक है। यहां पे रस्सी नहीं फिसलती पुली के ऊपर से, ठीक है, पुली वास्तविकता में रोटेट होती है, और ये बिल्कुल रियल पुली है जो कि कुएं पे लगी होती है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।